हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 8 का संस्कृत का स्माइल का होमवर्क कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम है ग्रहम शून्यम सुतान बिना, यानी पुत्री के बिना घर सूना है। तो बच्चों, नीचे आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और फिर अपने टीचर को, शिक्षक को दिखाने हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत्वों में, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है राकेशस्य सुताया नाम है किम अस्ति, तो राकेश की बेटी का क्या नाम है, पुत्री का क्या नाम है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों अंबिका। दूसरा प्रश्न है मनु स्मृति रचनाकार है क वर्तते, मनु स्मृति के लेखक का क्या नाम है, तो इसका उत्तर है बच्चों सुमति भार्गव। तीसरा प्रश्न है क पुत्रम प्राप्तुम इच्छति, पुत्र की इच्छा कौन रख रहा था, तो इसका उत्तर है बच्चों राकेश। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, पश्चातापमग क अस्ति, तो इसका उत्तर होगा राकेश कि पश्चाताप कौन कर रहा था, राकेश। अब बच्चों हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सायंकाले क देवी स्तुति करोति, सायंकाल के समय देवी की स्तुति कौन कर रहा था, तो इसका उत्तर होगा सायंकाले राकेश देवी स्तुति करोति। दूसरा प्रश्न है बच्चों सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम क करोति, इसका उत्तर होगा बच्चों सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम राकेश करोति। अगला प्रश्न है क्या राकेशस्य कृते सन्मार्ग प्रदर्शित, इसका उत्तर होगा कि राकेश का मार्ग किसने सही किया था, उसको किसने सही रास्ते पर लाया था, तो इसका उत्तर है शालिनी राकेशस्य कृते सन्मार्ग प्रदर्शित। अगला प्रश्न है बच्चों निर्देशानुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है तव शिक्षा वृथा इत्यत्र तव कस्मे प्रयुक्तम अस्ति, तो इस लाइन का अर्थ है बच्चों तव शिक्षा वृथा का अर्थ होता है तुम्हारी शिक्षा बेकार है, तो यहाँ पर तव किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका होगा राकेश आय, क्योंकि शालिनी ने राकेश को कहा था कि तुम्हारी शिक्षा बेकार है। अगला प्रश्न है बच्चों अहम स्वापराधम सबका स्वीकारोमि इत्यत्र कृत पद किम अस्ति, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों अहम। अगला है बच्चों उचित मेलन कुरुत, हमें उचित मेल करना है। जनक, जनक का को कहते हैं बच्चों पिता, और पुत्र होता है तन्य, और दुहिता सुता यानी बेटी। अगला है बच्चों उचित पद निर्माण है कुरुत, हमें नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनको जोड़कर लिखना है। पहला है जैसे सर्वदा प्लस एव, तो ये बन जाएगा बच्चों सर्व प्लस और सर्वदैव। अगला है बच्चों यथा प्लस एव, तो इसको जोड़ेंगे तो बच्चों बन जाएगा यथैव। और अगला है बच्चों तथा प्लस एव, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा तथैव। बच्चों इस तरह से आज का आपका स्माइल का होमवर्क कंप्लीट होता है। थैंक यू।